आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं मैंने बोलने के लिए कहा, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे, हाउस उसके लिए हम जानते हैं। नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे, हाउस उसके लिए हम जानते हैं। हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम जानते हैं कि भाजपा के निवेदन के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। नहीं, आप अपना विषय नहीं, लेकिन हम एक सच्चे, आप अपना विषय, एक सच्चे, नहीं आप बैठिए, योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा, आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हो, प्लीज आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, आप नहीं बोलेंगे, हम आप नहीं बोलेंगे, आपको अनुमति नहीं दी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो, किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया, ये विधानसभा के बारे में तो विधानसभा नियमावली, अच्छा मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है, वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी, नहीं मैं अगला, उनमें से एक है, आज नियम 300 के अंतर्गत करना आपका कर्तव्य है, आज नियम 300 मैं आपसे मांग कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकाले आप। आप देखिए, डबल इंजन विधानसभा का विषय नहीं है, अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की ताकत का बहुत सम्मान करता हूँ, आप बहुत सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं, आप सब मालूम है, सही साबित करेंगे, आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं जो घटना मणिपुर में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो जहाँ पर चर्चा कर रही है वहाँ होगी, यहाँ नहीं। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर जैसी सही मानी जा सकती है, मैं कह रहा हूँ अगर बंगाल में जो छोड़ा सही और गलत यहाँ पर नहीं, इसलिए मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में क्या होता है सही और गलत, ये प्रदेश प्रधानमंत्री जी का है, वो लोग तय करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रदेश है, ये सबसे बड़ा प्रदेश पूरे देश के प्रदेशों में नेता थोड़ी करेगा, स्टार प्रचारक है, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते। चलिए अच्छी बात है, आप भी तो जाते, आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाए, तो वो बोला जहां पर बोला, आप देश की आवाज बने, इसमें क्या खराब है कि अगर हमारे सदन देश की आवाज बन जाए, नहीं इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम 301 के, आज आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई आवाज, मैं नियम 301 की सूचना दे रहा हूँ, जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूंगा, नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा। नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई है, माननीय सदस्यों ने 301 की सूचनाएं, आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, आप अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करें, आपने नोटिस दिए 301 के अंतर्गत माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी सबसे सीनियर मेंबर हैं, इन्होंने बिजली से संबंधित जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में बात करी है। अवधेश प्रसाद जी, आप अपनी सीट के ऊपर खड़े हो जाएं तो आपकी सूचना स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे। आप नियम 301 की सूचना, आप लोगों की विधानसभा से संबंधित जो विषय आपने रखा है, मेरा आपसे निवेदन है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आप अपने शहर के विकास के लिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने सूचनाएं लगाई हैं, आप उन सूचनाओं के ऊपर बोलिए। मैं आपको अवसर देता हूं, आज मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूंगा, चलिए आज मैं आपको नियम 301 को पढ़ने का, पहले मैं सिर्फ हाजिरी ले लेता था, आज मैं आपको पढ़ने का अवसर दूंगा, आप अपनी सीट के ऊपर जाकर नियम 301 की सूचना पढ़ सकते हैं। अगर आप क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए यदि आप इंटरेस्टेड है बात करने के लिए, तो आप अपनी सीट पर जाइए और अपनी सूचना पढ़िए, आपकी सूचना के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। अगर आप अपनी क्षेत्र की समस्या को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश की यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। चलिए मैं नियम 301 की बढ़ाता हूँ। श्री अवधेश प्रसाद जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए इसीलिए ये सूचना आज नहीं ली जाएगी। श्री चंदन चौहान अपनी सीट के ऊपर नहीं है, अतः उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर पल्लवी पटेल
डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने स्थान पर नहीं है, ये सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपस्थित है, उनकी सूचना ली जाएगी। श्री फरीद अहमद किदवई अपनी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर है, इनकी सूचना ली जाएगी। फरीद अहमद किदवई की सूचना ली जाएगी। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर है तो हाथ खड़ा करें। वो नहीं हाथ खड़ा करना चाहते, उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री ओम प्रकाश सिंह अपनी सीट पर हैं, गुड बॉय, आप अपनी सीट पर बैठिए, आपकी सूचना ली जाएगी। श्री मनोज कुमार पारस, आप अपनी सीट पर चलिए, नहीं चलिए अपनी सीट पर चलिए, हम लेंगे नहीं लेनी, ये चाहते हैं कि इनकी सूचना ना ली जाए। मनोज कुमार पारस की सूचना। श्री मनोज कुमार पांडे जी, आपके क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जिससे आप अपने क्षेत्र की जनता का काम कर सकते हैं। फूलपुर मार्ग 709 एडी मार्ग पर पड़ने वाली भगवंत नगर का नाला बनाया जाना, बारिश का समय अगर आप चाहते हैं कि नाला बनाया जाए तो अपनी सीट पर चलिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है नाला बनवाने में, राजनीति करने में ज्यादा, आपकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री डॉक्टर नीरज वोरा आपकी सूचना ली जाएगी। डॉक्टर श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस आपकी सूचना ली जाएगी। मोहम्मद फहीम इरफान अपनी सीट पर चलिए और हाथ खड़ा करिए, अपनी सीट पर चलिए मोहम्मद फहीम इरफान और हाथ खड़ा करिए। गुड, आपने यू आर ए गुड बॉय, आप अपनी सीट पर हैं, आपने हाथ खड़ा किया, आपकी सूचना ले लीजिए। श्री रामचंद्र यादव जी अपनी सीट पर हैं, उनकी सूचना ले लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।